तो आज सुबह में मेरे पास किसी के थ्रू ये मिठाइयाँ आईं, यानी कि दिवाली का गिफ्ट आया, और ऊपर से इसका पैकेट बेहद खूबसूरत था। और मैं तो किसी चीज़ में बिज़ी थी, तो बच्चों ने खोल के देखा और खाया उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने काजू कतरी खाई, और तकरीबन 3 घंटे के बाद मैंने इसको टच किया और मैंने सोचा कि इसको मैं खोल के रख देती हूँ इसमें जो भी चीज़ें हैं। तो जब मैंने काजू कतरी देखी तो बहुत ज़्यादा वो मुझे चिपचिपी सी लगी, और एक पीस मैंने उसको खाया। तो जैसे मैंने उसको खाया तो बहुत मतलब अजीब सा मुझे फील हुआ। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 1549 रुपये है, और ये है आई थिंक 10 अक्टूबर 2023 की ही मिठाई है, यानी कि ये पैकेट अभी लास्ट मंथ का है। लेकिन इसके अंदर जितनी भी मिठाइयाँ थी सारे में फंगस लगा हुआ था, और मिठाइयों के साथ साथ इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे। तो मैंने सोचा कि शायद वो अच्छे हों, उसको रख लेते हैं। तो जब मैंने ड्राई फ्रूट्स को देखा, हालांकि ये रोस्टेड हैं और इसमें सॉल्ट भी मिक्स है, लेकिन जब मैंने इसको खा के देखा ना, तो इतना कड़वा था और इतना पुराना था कि मतलब अजीब सा इसका भी टेस्ट आया। तो मैंने सबको चेक किया, और उसके बाद मैंने इसको डस्टबिन में बच्चों से डलवा दिया, क्योंकि मिठाइयाँ ख़राब थी, उसमें फंगस था। और मैंने सोचा था कि ड्राई फ्रूट्स रख लेंगे, लेकिन ये भी ख़राब था, तो इसलिए मुझे इसको फेंकना पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि इस टाइम दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप किसी भी शॉप पर जाइए तो खाने के सामान को अच्छे से सर्च करिए, उसके बाद ही ख़रीदिए। खासकर ये दिवाली के फेस्टिवल में आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे भी ख़राब होंगे और जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खैर, हम जैसे लोगों के जो घर पे गिफ्ट आते हैं वो तो चाहे उसको फेंकें या खाएं, लेकिन जिनका पैसा गया है ना, उनका नुकसान होता है। तो उन तक ये बात ज़रूर आप पहुँचाइए, अगर आपके घर में इस तरीके से कोई गिफ्ट देता है और ख़राब होती हैं खाने की चीज़ें, तो उनको अवेयर कीजिए, क्योंकि जहाँ से वो सामान लेकर आए हैं ना, वहाँ तक बात को ज़रूर पहुँचानी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपने पैसे लगा के ख़रीदे हैं, तो आपका राइट बनता है, अगर उसमें कुछ भी गलत हो, कोई भी ख़राबी हो, तो आप शॉपकीपर से जाके बोल सकते हैं। तो हालांकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि ये कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी जिनके थ्रू आया है मैंने उन्हें बताया है कि जहाँ से भी आपको गिफ्ट मिला है उनको बताइए, और जाके वो शॉपकीपर से बात करें। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ यही मकसद है कि प्लीज़ ऐसे ख़राब मिठाइयों को ना आप बच्चों को खाने दें और ना खुद खाएँ। और आपके घर में कोई भी इस तरीके का गिफ्ट आता है ना, तो सबसे पहले आप उसको ओपन कीजिए और चेक कीजिए, और उसके बाद आप खाइए। तो आपसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस तरीके की खाने के जो भी सामान होते हैं, अगर आपको ज़रा से भी महसूस होता है कि हाँ ये ख़राब है, चाहे उसको आपने खुद बनाया है या फिर आपको कहीं से गिफ्ट मिला है और आप उसको खुद नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, तो उसको ना ही आप अपने मेट को दीजिए, और ना ही जो भी आपकी गली में और आपके रोड की तरफ गरीब बच्चे टहलते उनको दीजिए। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो आप अपना इलाज करा लेंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे तो आप उनका भी इलाज करा लेंगे, लेकिन गरीब बच्चे जो रोड पे टहलते रहते हैं भूखे प्यासे, उनको अगर आप इस तरीके से ख़राब सामान दे देंगे खाने का, वो तो लालच में अट्रैक्ट होके ले लेंगे, लेकिन जब उनकी सेहत ख़राब होगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो आपको उसका बहुत गुनाह मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों को भी दें। अगर आपके पास है तभी आप गरीब की मदद कीजिए, और इस तरीके से ख़राब सामान आप गरीब को मत दीजिए, क्योंकि जैसे आप अपने लिए अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, वैसे ही गरीब के लिए भी अच्छी ही चीज़ें पसंद करिए, क्योंकि जैसे आप इंसान हैं वैसे वो भी इंसान ही होते हैं। एंड लास्ट में आपसे ये कहना है, किसी भी शॉप पर जाइए, किसी भी मॉल में जाइए, तो इस तरीके के जो पैकेट होते हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उनको ख़रीदने से पहले डेट ज़रूर चेक करिए, एंड घर पे लाइए, उसको खोलिए, क्योंकि खाली डेट भर देख लेने से काम नहीं बनता है, बल्कि आप उसको अच्छे से चेक करिए एंड उसके बाद ही किसी को गिफ्ट कीजिए। एंड मेरी ही तरह जिस किसी को भी ऐसा गिफ्ट रिसीव होता है, कोई भी फेस्टिवल हो, अगर उसमें ख़राब चीज़ें हैं खाने की, तो जिसने आपको दिया है उसको प्लीज़ ज़रूर बताइए। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि पैसा आपका नहीं बल्कि उनका लगा है, तो पैसा किसी का भी लगे
तकलीफ़ तो होती ही है। और बस ये वीडियो डालने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि फेस्टिवल है तो थोड़ा सा सावधान रहें, और एक दूसरे को जो भी मिठाइयाँ आप दे रहे हैं तो शॉपकीपर से ज़रूर पूछें कि वो कितनी पुरानी हैं, क्योंकि इस तरीके से मिठाइयाँ बहुत दिनों से रखी रहती हैं और उसमें फंगस लगा होता है, तो ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। और आप एक मिठाई के चक्कर में 1000 रुपये लगा के हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं। एंड अगर कोई भी शॉपकीपर मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की ख़राब मिठाइयाँ आप ना पैक करें, क्योंकि चंद पैसों के लिए आप किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और ये गलत है और आपको ये इंसानियत के नाते नहीं करना चाहिए। जो भी आपके शॉप पे ख़राब मिठाइयाँ हैं उसको तुरंत निकालिए, और आप में से जिस किसी को भी इस तरीके की मिठाइयाँ रिसीव होती हैं प्लीज़ आप ज़रूर कंप्लेन कीजिए।